हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों को ओरल केयर प्रोसीजर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि टू टाइप्स का प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर होता है जो कि हम लोग पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस पेशेंट होता है, एक पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है। तो आज मैं अनकॉन्शियस पेशेंट पे किस तरह से हम लोग मौत केयर प्रोसीजर करते हैं वो आज मैं डेमो कर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज पेयर ग्लव्स, किडनी ट्रे, बॉल, बॉल विथ कॉटन स्वाब एंड गॉज पीसेस, मॉथ गैग, आर्टरी फोर्सेप्स, टंग डिप्रेसर, पेपर बैग एंड केमिनोफोर सॉल्यूशन। साथ साथ इसमें हम लोग टू टॉवल रखेंगे और एक स्मॉल मैकिंटॉस। सबसे पहले जब हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग को हैंड वॉश कर लेना है, साथ साथ पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अबाउट द प्रोसीजर। तो मिस्टर राजू कुमार, मैं आपका जो है मौत जो है वो क्लीन करने वाली हूँ, ठीक है? तो अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस होगा तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अनकॉन्शियस भी है फिर भी हम लोग को एक्सप्लेन करना जरूरी है। प्राइवेसी मेंटेन करना हो तो हम लोग कर्टन भी लगा सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो चूंकि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो सबसे पहले हम मैकिंटॉस, स्मॉल मैकिंटॉस हम लोग साइड में लगाना है, ठीक है? इस तरह से प्लेस कर देंगे हम लोग मैकिंटॉस एंड लेफ्ट साइड में, पेशेंट के लेफ्ट साइड में से ही हम लोग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो किडनी ट्रे हम लोग साइड में रखेंगे। नाउ हम लोग वन टॉवल जो है पेशेंट के नेक के पास में इस तरह प्लेस कर देते हैं, ठीक है? नाउ हम लोग ग्लव्स वियर करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, उसे हम लोग क्या करेंगे, डिप कर लेंगे गॉज पीसेस में, ठीक है? एंड चूंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम लोगों को क्या करना है, मॉथ गैग जो कि अगर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो हमें उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना कि कॉन्शियस पेशेंट सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर हम लोगों को मॉथ गैग का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉथ गैग को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, जो कि हेल्प करेगा पेशेंट के मौत को ओपन रखने में। इसे प्लेस कर देंगे इस तरीके से मौत गैग को, ठीक है? यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे और इसका मौत को थोड़ा सा हम लोग क्या ओपन करेंगे पेशेंट के मौत को, ठीक है? तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों का कितना, बहुत ज्यादा पेशेंट हर्ट ना हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट के मौत को क्या करना है, ओपन उतना ही करना है। विद द हेल्प ऑफ आर्टरी हम लोग क्या करेंगे, जो गॉज पीसेस जो हैं, तो चूंकि हम लोग मौत केयर अंदर से उसका क्लीनिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसको इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। आप लोग देख लो, दोनों साइड से हम लोगों को कॉर्नर से गॉज पीस को क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है? इस तरीके से बनाने के बाद में हम लोगों को आर्टरी फोर्सेप्स के हेल्प से क्या करना है, इनसाइड सर्कुलर मोशन में, ठीक है? सर्कुलर मोशन से करते हुए हम लोगों को क्या, टीथ को क्लीन करना है, ठीक है? तो हम लोग वन साइड अगर क्लीन करते हैं तो हम लोग वन टाइम एक गॉज को ही यूज करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसे डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रोक में फिर से गॉज पीस को लेंगे एंड क्या करेंगे, नेक्स्ट साइड में, अनदर साइड में फिर से हम लोगों को क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है? तो हम लोग अनदर गॉज पीस से क्या करेंगे, अदर साइड में, मौत के अदर साइड में क्या करेंगे, फिर से सर्कुलर मोशन में इस तरह से हम लोगों को अच्छे से क्या करना है, जो भी इनसाइड का जो भी टीथ है, मुकोशा है, ठीक है, वो सबको अच्छे से क्लीन करना है। नॉक पोटेशियम पर मैग्नेट के बाद में, क्लीनिंग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन वाटर जो होगा उससे हम लोगों को इससे क्लीनिंग करना होगा, ठीक है? फिर हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है, ठीक है? तो अच्छे से पूरी तरह से हम लोगों को क्या करना है, नीचे का, ऊपर का, ठीक है, चारों तरफ से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वो इनसाइड का पूरा जो है एरिया है मौत का वो हम लोग कवर कर ले, ठीक है? और भी अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट है पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का तो हम लोग और भी ले सकते हैं। नॉट टंग डिप्रेशर, सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जब टंग क्लीन करने जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है,
ठीक है, पेशेंट का जो टंग हो वो बैक साइड में आपका गिर सकता है क्योंकि पेशेंट अनकॉन्सियस है। तो हम लोगों को जब टंग क्लीन करना हो, चाहे हम लोगों को सम टाइम ड्यूरिंग मौत केयर प्रोसीजर, इस तरीके से हम लोगों को टंग डिप्रेशर को होल्ड करना है और जो ये उसका ऊपर का सिरा होगा इससे हेल्प से हम लोग उसको पेशेंट के टंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि उसका जो हो बैक साइड ना हो पेशेंट का। और इससे हम लोगों को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेशर हम लोगों को क्या टंग को नीचे करते हुए क्या टंग को अच्छी तरह से क्लीन करना है। सम टाइम जो है पेशेंट का डेंचर्स भी होता है, आर्टिफिशियल टीथ लगा हुआ है तो उसे भी हम लोगों को हटा कर क्लीन करना होगा, ठीक है। जो कॉटन होगा हम लोग कॉटन के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, जो एरिया हम लोगों को लग रहा है अगर क्लीन नहीं है तो उससे भी हम लोगों को कॉटन की हेल्प से क्या करना है, क्लीन कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा वन स्ट्रोक में क्या करना है, एक अनदर गॉज पीस लेना होता है, ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों ने एक बार एंट्री कर दिया है मौत में तो वो क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हम लोगों को हमेशा वन स्ट्रोक में एक ही गॉज पीस को लेना है और फिर उसे या तो वाटर में या हमें सॉल्यूशन में डिप करते हुए क्या करना है, उसे अच्छे से क्लीन करना होता है। मौत गैग जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, अब रिमूव करेंगे। मौत गैग जब हम लोग रिमूव कर लेते हैं पेशेंट का, हम लोगों को वाइप करना है, ठीक है, अनदर टॉवेल से हम लोगों को इसके मौत को अच्छी तरह से वाइप करना है। आफ्टर वाइपिंग द मौत ऑफ द पेशेंट हम लोगों को एक इमोलियंट लेना है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कॉटन एप्लीकेटर हम लोगों को इसके लिप में, पेशेंट के लिप में अप्लाई कर देना है फॉर अ स्मूथनिंग ऑफ द लिप। किडनी ट्रे या पेपर बैग में, हम लोग पेपर बैग में भी कॉटन एप्लीकेटर को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है मौत केयर का वो कंप्लीट होता है। जरे आफ्टर गिविंग केयर ऑफ द पेशेंट हम लोग क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल्स है उसे हम लोग को डिस्कार्ड करना होगा, जो भी यूज हुआ है उसको डिसइनफेक्ट कर रिप्लेस कर देना है। एंड अगर कर्टेन लगाया है तो कर्टेन भी हम लोग को क्या करना है, सही जगह पर रख देना है। पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजिशन देना है, जो हम लोग ने यूज़ किया है टॉवेल्स मैकिंटोस उसे हम लोग क्या करना है, हटाना है पेशेंट की यूनिट से। बोलना है कि आपका जो है मौत क्लीन हो चुका है, ठीक है, तो अब आप अच्छा महसूस करिएगा। लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर इज डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर विद डेट एंड टाइम। तो नर्सेस नोट जो भी अवेलेबल होगा उसमें हम लोग डेट, ठीक है, डाल देंगे, होता है। तो हम लोग को क्योंकि हम लोग ने मौत के प्रोसीजर दिया है तो हम लोग प्रोसीजर और केयर गिवन टू द पेशेंट हम लोग ने क्या दिया है, मौत केयर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो डेट जो है, डेट तो सेम ही है, ठीक है, तो हम लोग ने अभी प्रोसीजर है, टाइम जो है एट 2 PM, ठीक है, 2 PM और हम लोग का सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मेंटेन कर देना है, ठीक है। तो नर्सेस नोट में डॉक्यूमेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मौत केयर प्रोसीजर ऑफ अनकॉन्सियस पेशेंट। तो आई होप सो कि बहुत सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। और अनकॉन्सियस पेशेंट के बाद में कॉन्सियस पेशेंट का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, डेमो करके दिखाऊंगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।